हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी रीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय अ गैदरिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस कि जो चुने हुए प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि होते हैं इलेक्टेड uh, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो uh, संविधान जो कि संविधान नामक एक बहुत बड़ा जो दस्तावेज़ है उसको ड्राफ्ट uh, करते हैं या लिखते हैं लिखने का काम करते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहा जाता है और संविधान का इससे समझ में आता है कि संविधान का जो प्रारूपण है संविधान सभा नामक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा किया गया था सो so, द कॉन्स्टिट्यूट असम्बली इलेक्शन इलेक्शंस वर हेल्ड इन जुलाई जुलाई नाइन नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स यहाँ यह बताया गया है कि संविधान सभा की चुनाव जुलाई नाइन्टीन फोर्टी सिक्स में हुए थे और इसकी पहली बैठक जो कि दिसम्बर नाइन्टीन फोर्टी सिक्स में हुई थी सुन आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द कॉन्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेम्बली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द कॉन्स्टिट्यूट असेम्बली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सो यहाँ यह एक्सप्लेन किया गया है कि um, जब इसकी जुलाई संविधान सभा का चुनाव जुलाई के 1946 में हुआ और इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी इसके तुरंत ही बाद देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था और संविधान सभा को भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा में विभाजित किया कर दिया गया था द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉम्पोजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू नाइन्टी नाइन is दिस इज 299 पॉइंट टू नाइन्टी नाइन the हैड इन कंपोजिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि भारतीय संविधान लिखने वाली जो संविधान सभा में टू नाइन्टी नाइन थे द लेजिस्लेटिव असेंबली एडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th november 26th november 1946 uh, sorry 1949 but came into force on um, 26th january 19, 1950 to mark this day we celebrate 26th january every year as republic day तो यहाँ यह बताया गया है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में टू नाइन्टी नाइन मेम्बर्स थे और संविधान सभा ने विधानसभा ने छब्बीस नवंबर ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को संविधान को कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया मतलब अपनाया लेकिन यह ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को नाइन्टीन हंड्रेड फिफ्टी को Uh, पूरा लागू किया गया था पूरी इंडिया में uh, इस और इस दिन को चिन्हित करने के लिए इस दिन की पहचान करने के लिए मार्क करने के लिए हम हर साल ट्वेंटी सिक्स जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन सिक्स डिकेट्स एगो हमें छः दशक से अधिक समय पहले इस सम इस विधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को क्यों स्वीकार करना चाहिए सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द विवस ऑफ इट्स रिमेम्बर्स अलोन इट इट इज अ बोर्ड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम संविधान अकेले अपने सदस्यों के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है यह अपने समय की व्यापक सहमति व्यक्त करता है मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इतने समय बाद बहुत समय लगने के बाद भी संविधान बहुत समय लगा इस संविधान को बनाने में और उसके बाद भी बनने के बाद संविधान को हमें स्वीकार क्यों करना चाहिए तो इसका रीज़न है कि संविधान अकेले अपने सदस्य के विचारों को ही प्रतिबिंबित नहीं करता केवल संविधान जिन लोगों ने बनाया उसमें केवल उन्हीं के थॉट्स नहीं थे बल्कि यह उस समय जो जितने भी टू नाइन्टी नाइन मेम्बर्स थे संविधान बनाने के लिए उन सभी ने मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि सार जब संविधान इन लोगों ने बनाया तो इन्होंने भविष्य तक का सोच के किया कि आगे ये कितना मीनिंगफुल हो सकता है कितना इससे लोगों को फायदा हो सकता है ये और इससे किसी की भी भावनाओं को चोट ना पहुंचे और ये आगे तक लोगों को किस तरीके से पूरे पॉलिटिक राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके ये सब ध्यान में रख के इसको बनाया गया था और व्यापक सहमति व्यक्त की गई थी सो द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया और इसका सेकेंड रीज़न है कि हमें संविधान क्यों स्वीकार करना चाहिए यह संविधान सभा जो थी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी ये संविधान जो भी बनाया गया था ये हम सभी इंडियंस को रिप्रजेंट करता है कहीं ना कहीं कि हम सब इंडियंस हैं इसलिए यह सेकेंड रीज़न है कि संविधान को हमें स्वीकार करना चाहिए इन द एंड द वे द कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली एक्टेड प्रोवाइड्सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली एक्टेड इन एन ऑर्डरली ओपन एंड एग्रेड मैनर तो अंत में अंत में संविधान सभा ने जिस तरह से काम किया वो संविधान को uh, पवित्रता प्रदान करती है और संविधान सभा ने एक व्यवस्थित खुले और सहमतिपूर्ण तरीके से काम किया था इसमें उन जो भी लोगों ने इसे बनाने में प्रारूप मतलब टू नाइन्टी नाइन मेंबर्स जिन लोगों ने मिल इस संविधान सभा को संविधान को बनाया उनको उसमें किसी भी तरह की इ, मतलब कहना चाहिए कि और लोगों के लिए पब्लिक के लिए भारत की जनता के लिए किसी भी तरह का द्वेष भावना या पक्षपात की भावना नहीं थी हर किसी के लिए एक समानता का और समानता का उसमें नियम रखा गया और पवित्रता पवित्र भावना से उसको बनाया गया था और संविधान सभा एक व्यवस्थित और खुले और सहमतिपूर्ण तरीके से काम किया गया था सभी लोगों की सहमति जिसमें थी उन्हीं चीज़ों को संविधान लिखते समय ध्यान रखा गया था फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड अपॉन एंड एग्रेड अपॉन सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत का निर्णय लिया गया और उन पर सहमति व्यक्त की गई थी देन डॉक्टर देन डॉक्टर ड्राफ्ट ड्राफ्ट कमेटी हेडेड बाई बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन फिर डॉक्टर फिर डॉक्टर बी बी आर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति uh, गठन किया गया और अम्बेडकर ने चर्चा के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया मतलब वो जो मसौदा समिति थी उन्होंने ड्राफ्टेड मतलब कम, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया जिन्होंने पूरे सब मिलकर संविधान को कैसे बनाना है इसकी इसका पूरा चर्चा किया गया और प्रारूप तैयार किया गया पहले जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करना है कि जैसे हम बजट ही बनाते हैं घर में अपनी मम्मी से आप लोग घर में पूछिएगा कि साल भर का जो सामान आता है राशन का वो हम एकदम से जाके पैसे लिए और जाके खरीद के ले आए ऐसा नहीं होता हम पहले प्लानिंग करते हैं कि किस चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और किन सामान को हम ज़्यादा समय समय तक संभाल के रख सकते हैं तो उन चीज़ों को हम पहले ला के रख लेते हैं इसी तरीके से उस बजट हमारे पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा प्रारूप बनाते हैं तो उसी तरीके से संविधान जब बनाया जा रहा था वो एक दो व्यक्ति के लिए नहीं या एक दो समाज के व्यक्ति वर्ग के लिए नहीं था वो पूरे भारतीयों के लिए था तो इसलिए बहुत सोच समझ और सबकी सहमति के साथ बनाना बहुत जरूरी था और उसके लिए सबसे पहले प्रारूप बनाया जो कि जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और इसके लिए चर्चा उन्होंने चर्चा करने के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था देयर वर सेवरल राउंड ऑफ इंटेंस डिस्कशन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन बाई सेक्शन मोर देन टू थाउजेंड अमेंडमेंट्स वर कॉन्सिडर्ड और यहाँ यह बताया गया कि उतनी नहीं चर्चा करने के बाद अब जो प्रारूप तैयार किया गया था उसमें भी ड्राफ्ट संविधान खंड द्वारा गहन चर्चा के कई दौर हुए उसमें कई बार उसमें सुधार किए गए लगभग दो हज़ार से अधिक संशोधन पर विचार किया गया था और फिर इच डॉक्यूमेंट्स Uh, each document was presented and every work uh, every word spoken in the constituent assembly was recorded and pres preserved uh, these are called constituent assembly डिबेट्स और फिर यहाँ ये बताया गया कि 2000 से भी अधिक संशोधन पर विचार करने के बाद प्रत्येक दस्तावेज को प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा में बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड और संरक्षित किया गया था और इन्हें ही संविधान सभा वादक कहा जाता है सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू स्टूडेंट